करण कुंद्रा टीवी के जाने माने कलाकारों में से एक हैं, जहां वह इन दिनों इश्क में घायल शो में नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनकी गर्लफ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी अपनी क्यूटनेस और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि करण और तेजस्वी के प्यार की कहानी की शुरुआत बिग बॉस 15 के दौरान हुई थी और उसके बाद से दोनों कलाकार ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसके बाद हाल ही में करण कुंद्रा ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाने के बारे में खुलकर बात की है और कहा है कि वह मैच्योर लवर्स है, न कि निब्बा निब्बी है। दरअसल करण से बीते काफी समय से उनके फैंस शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं, जिस पर एक्टर तेजस्वी संग अपनी शादी की योजना के सवालों से हर बार परहेज करते आए हैं। लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे शादी सेरेमनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को हंसते हुए कहा कि इस बारे में हम कुछ करते हैं। जहां एक्टर ने यह भी बताया कि उनकी और तेजस्वी की भविष्य की बहुत बड़ी योजनाएं हैं और दोनों एक दूसरे को उसी के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वहीं करण ने आगे कहा कि हमारे बड़े सपने हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए एक दूसरे पर जोर देते हैं। हमारे लक्ष्य बहुत उच्च स्तर के हैं और हम निब्बा निब्बी नहीं हैं। वहीं इसके अलावा हम आपको बता दें कि पब्लिक फिगर होने के नाते करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर खुद को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का ही शिकार होते पाते हैं, लेकिन दोनों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करण कुंद्रा ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि अपनी ऊंचाई पर आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा और अपने निचले स्तर पर आपको काफी नफरत मिलेगी, लेकिन क्या यह ट्रोल्स आपका बिल चुका रहे हैं? क्योंकि जब चीजों की बड़ी योजना की बात आती है तो यह ट्रोलिंग आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, इसीलिए हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि करण और तेजस्वी अक्सर ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनसे शादी के सवाल की जाती है तो दोनों ही इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि अब ये तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि दोनों अपनी शादी को लेकर कब घोषणा करते हैं। वैसे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।